नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक। दोस्तों, आज हम एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आए हैं जिसमें कि आपको बताएंगे। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, जब ये त्योहारों के टाइम पर पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो न्यूज़ चैनल्स पर आपको बताया जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली NCR वगैरह में, मुंबई वगैरह में आपने सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है और बार बार उसकी बात आती है कि हेल्थ के लिए ये ज़्यादा क्रिटिकल है। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो है, ये लोग कैसे न्यूज़ बताते हैं, कहाँ से ये पता करते हैं, क्या आप लोग भी पता कर सकते हैं? जी हाँ, आप लोग भी पता कर सकते हैं। उसके लिए एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप जो है अपने शहर के बारे में पता कर सकते हैं कि वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि है क्या है और किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके से वो अपडेट होता है। ये सभी जो है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको चलना है दोस्तों प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ लिखना है समीर ऐप। ये देखिए समीर ऐप, आप दोस्तों यहाँ से जो है इस ऐप के बारे में आप देख सकते हैं। ये 100K इसका डाउनलोड है, या आप यहाँ पर रेटिंग देख सकते हैं। आप यहाँ से जो है इसको इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपकी लोकेशन जो है ऑन होनी चाहिए, अगर आपको एक्यूरेट आपके शहर का रिजल्ट देखना है तो। ये देखिए थ्रू आउट इंडिया में ये सारा इंडेक्स आ गया है। ये आप जिस भी शहर में हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो इंडेक्स है आप जूम करके भी देख सकते हैं। ये आपको इंडिया के मैप पर जो सभी जगह का ये आ रहा है, ये जो बहुत ज़्यादा ग्रीन है ये अच्छा है। इसके बाद जो लाइट ग्रीन है ये भी अच्छी कैटेगरी में आता है दोस्तों। इसके बाद ये येलो कैटेगरी है, अलग अलग आप देख सकते हैं। हम जैसे आपको अपने शहर का दिखा देते हैं, तो हम यहाँ से जो है मध्य प्रदेश पर जूम करेंगे। जूम करने के बाद जो है दोस्तों, यहाँ शहरों पर देखिएगा। अभी देखिए आप ये जो करंट में देख रहे हैं दोस्तों, ये 19 अक्टूबर 11:05 इसको अपडेट किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, अभी जब 2 दिन पहले हम कह सकते हैं जब बारिश हुई थी, तो उस टाइम पे एक अलग ही इसका कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा जब क्लीन हो जाती है आपकी हवा तो आपको एक अलग क्राइटेरिया देखने मिलता है जो कि और ज़्यादा इससे कम है। अभी ये 86.52 है। मैंने जो है दोस्तों उसका एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो मैं आपको एल्बम में जाकर दिखा देता हूँ। वो स्क्रीनशॉट वहाँ पर आप देखेंगे। ये देखिए, ये अभी दोस्तों जो है 2 दिन पहले का है, 57.43। ये जब बारिश हो गई थी इसके बाद ये इतना क्वालिटी इंडेक्स अच्छी हो गई थी यहाँ की, और अभी आप देख सकते हैं ये 86.52। अभी वैसे अब ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो ज़्यादातर आपको जो है ये अच्छा ही दिखने वाला है। और ये डिपेंड करता है दोस्तों आप किस पॉल्यूशन में रहते हैं, आपके यहाँ पर ग्रीनरी कितनी है। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे कि गुजरात 192, ये अभी सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स भरूच में है। ये अलग अलग आप शहरों में जाकर जो है इसको ईजीली दोस्तों इस तरह से देख पाएंगे। और भी दोस्तों, इस एप्लीकेशन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स, पब्लिक कंप्लेंट, ट्रैक कंप्लेंट, नियर बाय कंप्लेंट, AQI कैलेंडर, ऑफिशियल लॉगिन, दोस्तों काफ़ी अच्छी ये चीज़ें हैं। आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देख ही रहे हैं, इसके बाद पब्लिक कंप्लेंट जो है यहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कुछ अलग अलग क्राइटेरिया बनाए गए हैं, अलग अलग कंप्लेंट्स के टाइप हैं, आप उन पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ये कंप्लेंट ये देखिए, यहाँ पर आपको पॉल्यूशन की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है दोस्तों। एयर और नॉइस पॉल्यूशन फ्रॉम जनरेटर, लीव बर्निंग, ओपन गार्बेज बर्निंग, अदर्स पॉल्यूशन फ्रॉम इलीगल इंडस्ट्रीज, फायर एंड लैंड फाइल साइट्स, इस तरीके से देखिए। आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, उसको सिलेक्ट करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में इशू लिखेंगे, आप फोटो गैलरी से ले सकते हैं, खींच सकते हैं, लैंडमार्क लिख सकते हैं। इसी के साथ आप अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, वार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये आपके लोकेशन से आ जाता है। नीचे आपको नेम, मोबाइल नंबर और EMAIL ID देना है, इन्हीं के माध्यम से ये जो है आपसे संपर्क करेंगे जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में होगी। ट्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो ओपन कंप्लेंट्स हैं, नियर बाय कंप्लेंट्स, हमारे आसपास जो कंप्लेंट हैं आप देख सकते हैं मैप के द्वारा। ये आपको ये जो दिख रहे हैं सिंबल्स, यहाँ पर 6 ओपन कंप्लेंट हैं, 1 रिजॉल्व्ड हो गई है दोस्तों। नीचे आप इसको देख सकते हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन 0 है। अभी हम यहाँ पर जो मैप देख रहे हैं, हम लिस्ट पर क्लिक करेंगे, तो लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको वो 6 कंप्लेंट जो है दिख जाएंगी। ये देखिए यहाँ से आप ये 6 कंप्लेंट देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन, प्लीज़ क्लीन द एरिया, इस तरीके से जो है कंप्लेंट दायर की गई है। किस तारीख को कब की गई है ये भी आप देख सकते हैं। इनका रिजॉल्व का एक्सपेक्टेशंस डेट वगैरह सब आपको यहाँ पे दोस्तों इजीली दिखा दी जाती है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है इस एप्लीकेशन में।
आप दोस्तों इसी के साथ कैलेंडर देख सकते हैं, एक वही कैलेंडर अपने शहर का। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट करनी है, सिटी में जो आपको वहाँ पर स्टेशन है वो स्टेशन सेलेक्ट करना है, और आपको ईयर सेलेक्ट करना है। हम 2021 सेलेक्ट करके अप्लाई करते हैं। अब आप दोस्तों देखेंगे जनवरी 2021 से आज तक का डेटा यहाँ आएगा। ये देखिए जनवरी 2021 की कितनी ज़्यादा हम कह सकते हैं बेकार AQI इंडेक्स भोपाल का जो है था, और यहाँ पर कितना पॉल्यूशन उस समय था। ऐसे ही दोस्तों आपको अलग अलग जो देखेंगे नीचे आप देख सकते हैं, और फेबररी में आप देखिए ये पूरा मॉडरेट और पुअर में था। इसी तरीके से आप मार्च में देख सकते हैं, आप अप्रैल मई में देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से जो है मई जून से जो है जब बारिश का दौर शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों पॉल्यूशन, क्योंकि ये सेकंड लॉकडाउन भी था तो यहाँ पर पॉल्यूशन और ज़्यादा कम हो गया था। जुलाई अगस्त में दोस्तों जब बारिश का समय होता है तो वैसे भी ऑटोमेटिकली ये जो है अच्छा हो जाता है पॉल्यूशन। अब जब आप दिवाली के आसपास देखेंगे तो आपको कुछ पॉल्यूशन अलग ही लेवल पर दिखेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने शहर का कैलेंडर भी इजीली देख सकते हैं। बाकी दोस्तों पब्लिक लॉगिन है, आप यहाँ नेम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से पब्लिक लॉगिन कर सकते हैं। ऑफिशियल लॉगिन जो है समीर ऑफिसर्स, आप इसके लिए एक अलग एप्लीकेशन आता है उससे आप ऑफिशियल लॉगिन्स भी जो है दोस्तों यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और भी आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो